राजधानी दिल्ली में मानसून आने से पहले नगर निगम और फ्लड विभाग दावे करता है कि उन्होंने मानसून पहले नालों की सफाई कर दी जाएगी, लेकिन जैसे ही मानसून आता है अक्सर जल भराव की समस्या दिल्ली में अलग अलग इलाकों में देखने को मिलती है। इस बार भी नगर निगम और दिल्ली सरकार दावे कर रही है कि उन्होंने मानसून पहले ही मानसून की तैयारी कर ली है। फिलहाल आपको बता दें, मानसून से पहले तो तमाम सरकारी विभाग नाले नालियों की साफ सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मानसून की पहली बारिश पड़ती है उनके तमाम दावों की पोल खुलकर हाथ में आ देती है और दिल्ली के विभिन्न विभिन्न इलाकों में जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। स्पीड न्यूज 17 के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट, कैमरामैन मोहम्मद इरदास दिल्ली से। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जल भराव की संख्या बिल्कुल बनता नजर आएगा और कहीं ना कहीं घूमता हुआ नजर भी आ रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से एमसीडी की, तो एमसीडी लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर टीका फोड़ा जाता है कि दिल्ली सरकार उनको कॉपरेट नहीं कर रही है और जो जल भराव की स्थिति बनी हुई है वो पीडब्ल्यूडी की द्वारा बनी हुई है। मगर बात करें जिस तरीके से एमसीडी की, तो एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने भी स्पष्ट किया है कि एमसीडी की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं होगी और बल्कि में बारिश जैसे जैसे आएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें नहीं होने देंगे और रोड पर जो जल भराव का संकट बनता है वो नहीं बनेगा, क्योंकि एमसीडी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। मगर देखना होगा क्या दिल्ली सरकार भी बारिश के मद्देनजर रखते हुए क्या अपनी तैयारी कर रही है या फिर इसी तरीके से सिर्फ राजनीति की जाएगी, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार एमसीडी के ऊपर टीका फोड़ देती है और एमसीडी दिल्ली सरकार के ऊपर टीका फोड़ देती है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जनता परेशान होती है, क्योंकि जैसे जैसे बारिश होती है तो कहीं ना कहीं रोडों पर जल भराव की स्थिति बिल्कुल बन जाती है और यहाँ तक कि जो सीवर लाइन है, सीवर लाइन भी कई बार साफ नहीं की जाती है जिसकी वजह से पानी जो है वो अंदर नहीं जाता है और जिसकी वजह से जलोड़ों पर जल भराव का संकट बना रहता है। मगर देखना होगा क्या दोनों ही तरफों से तैयारी की जा चुकी है या फिर सिर्फ राजनीति के लिए ही मुद्दे रह गए हैं। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी।